Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. Tariqum schools and welcome to your online class. Class 6 in our subject is science. We are going to continue chapter number 6, that is air. Air is present all around us in our environment and is busy in doing the different processes in our environment. We are having our lecture number 14 today, and that is properties and uses of gases in the air. अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी important gases हमारी air का part हैं और air को compose करती हैं और कहाँ कहाँ पर हम उन गैसेस का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं. सबसे पहले जिस गैस के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे यूजेस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हमारे पास एक ऐसी गैस है जिसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, नाइट्रोजन इज अ कलरलेस गैस. कलरलेस गैस का क्या मतलब है कि ये हमारी एयर में प्रेजेंट है और इसका कोई कलर नहीं होता. अगर नाइट्रोजन का कोई कलर होता तो डेफिनेट बात है कि हमें एयर के अंदर नाइट्रोजन कलरफुल फॉर्म में नजर आती. क्योंकि हमें एयर का कोई कलर नजर नहीं आता, इट मींस नाइट्रोजन एक मेजर पार्ट है हमारी एयर का, दैट इज प्रेजेंट 78% इन द एयर. तो इसका कोई कलर नहीं है, देयरफॉर वी कैन नॉट सी नाइट्रोजन इन द एयर. नंबर टू, हैज नो टेस्ट एंड स्मेल. अगर हम नाइट्रोजन की टेस्ट को या स्मेल को देखना चाहें या महसूस करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसका ना तो कोई टेस्ट है और ना ही इसकी कोई स्मेल है. नंबर थ्री, डज नॉट बर्न. नाइट्रोजन गैस ना तो खुद बर्न होती है और ना ही बर्निंग की किसी प्रोसेस को सपोर्ट करती है या बर्निंग में हेल्प करती है. सो नंबर फोर, डज नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. सो नाइट्रोजन ना तो खुद बर्न होगी और ना ही किसी बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट करेगी. एंड नंबर फाइव इज, नाइट्रोजन इज नॉट अ वेरी एक्टिव गैस. नाइट्रोजन एक बहुत ज्यादा एक्टिव गैस नहीं है. बेशक ये हमारे एयर कॉम्पोजिशन में सबसे ज्यादा है, 78% है, बट इवन देन इट इज नॉट अ वेरी एक्टिव गैस. सो दीज आर सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोजन. हियर यू कैन सी दैट नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट इन डिफरेंट वेज. It can be in organic form, it can be in nitrogen dioxide, nitrogen oxide, ammonium nitrates, or in many other ways it is included in our environment in the air. Next, अगर हम uses की बात करें कि nitrogen को हम अपनी daily life में कहाँ कहाँ use करते हैं और कितने processing में अपनी daily life में हम इस्तेमाल कर सकते हैं nitrogen को. So number one is, we can use nitrogen to preserve the freshness of फूड. हम बहुत लंबे अरसे तक जो फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं मार्केट्स में, फैक्ट्रीज के अंदर, तो वहां पर हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी हम फूड को स्टोर कर रहे हैं, चाहे वो मीट के फॉर्म में हो सकता है, वो फ्रूट्स के फॉर्म में हो सकता है, या वो डिफरेंट पैकेजिंग फॉर्म में फूड हो सकता है, तो उसको हम प्रॉपरली लंबे अरसे तक प्रिजर्व करके रखें ताकि उसके टेस्ट में कोई चेंज ना आए या उसकी फ्रेशनेस में कोई चेंज ना आए. तो यहां पर हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं. नंबर टू भी अगर हम देखें, वी यूज नाइट्रोजन इन एक्सप्लोसिव स्टोरेज टैंक्स. अभी हमने पीछे प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि नाइट्रोजन ना तो खुद बर्न होगी और ना ही किसी बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट करेगी. इसी प्रॉपर्टी की बेस पर हम नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लोसिव स्टोरेज टैंक्स के अंदर. ऐसे टैंक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम एक्सप्लोसिव रखते हैं. एक्सप्लोसिव मीन्स के धमाका खेज मवाद जो होते हैं, जैसे पटाखे हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो हम बर्निंग के लिए यूज करें, तो उसको हम स्टोर करने के लिए, क्योंकि हम उसकी स्टोरेज किसी ऐसी जगह पर करेंगे जहां पर वो सेफ हो और वो बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट ना करती हो, इसीलिए हम यहां पर नाइट्रोजन टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं. सो दैट हम एक्सप्लोसिव स्टोरेज टैंक्स बना सकें और बहुत सेफली एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकें. नंबर थ्री पर अगर हम देखें, वी यूज नाइट्रोजन टू यूज इन बल्ब्स टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग अप. अब बल्ब्स के अंदर आपने देखा होगा फिलामेंट होता है और फिलामेंट
बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है जब बहुत लंबे अरसे तक हम बल्ब्स को ऑन करके रखते हैं। अब यहाँ पर इस फिलामेंट को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए या बर्निंग अप से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं बल्ब्स के अंदर, ताकि फिलामेंट ओवर बर्न या ओवर हीट ना हो जाए और यहाँ पर बर्निंग ना हो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन डज नॉट हेल्प इन बर्निंग प्रोसेस एंड डज नॉट सपोर्ट एनी प्रोसेस विच हेल्प इन बर्निंग। तो यहाँ पर हम फिलामेंट को ओवर हीट या बर्निंग से बचाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं बल्ब्स के अंदर। नंबर फोर पर अगर हम देखें, वी यूज नाइट्रोजन इन फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलाइजर्स को बनाने में, फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, खादें होती हैं जो हम मुख्तलिफ प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं सॉइल के अंदर, सो दैट वो एक अच्छी ग्रोथ शो कर सकें और अच्छी यील्ड हमें प्रोवाइड कर सकें। तो फर्टिलाइजर्स को बनाने में और सॉइल की फर्टिलिटी जरखेजी को बढ़ाने के लिए भी हम वहां पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हम सॉइल को प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ शो कर सकें और प्लांट्स बहुत अच्छी यील्ड हमें प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट नंबर फाइव, वी यूज नाइट्रोजन इन डाइज, मेडिसिन एंड एक्सप्लोसिव्स। अब नाइट्रोजन को हम डाइज में इस्तेमाल करते हैं, मतलब मुख्तलिफ जो कलरफुल हमारे पास हम लिक्विड्स बनाते हैं या कलरफुल पाउडर्स बनाते हैं जिसको हम एज अ डाई यूज कर सकते हैं, कलरफुल मटीरियल के तौर पे यूज कर सकते हैं, उसमें हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं हमारे पास जिसमें हम बहुत एक मेजर तौर पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन को बनाने में, और एक्सप्लोसिव मटीरियल्स जो होते हैं उनको सेफ करने में, उनको सेफ्टी मेजर्स लेने पर हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है नाइट्रोजन का इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ अवर डेली लाइफ। नंबर सिक्स पर अगर हम देखें, नाइट्रोजन रिड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इन एयर। रस्टिंग क्या होती है? जंग लगना। आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी आयरन वाला मटेरियल, कोई भी लोहे वाली जो चीजें होती हैं, उसको बहुत लंबे अरसे तक हवा के अंदर रखें तो कुछ डेज के बाद या कुछ मंथ्स के बाद जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो रस्टिंग उस पर हो चुकी होगी, उसको जंग लग चुका होगा। अब इस जंग से बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? यहां पर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन हेल्प करती, जो एयर में नाइट्रोजन है वो हेल्प करती है मुख्तलिफ आयरन को या मुख्तलिफ ऐसी चीजों को जो जिनको जंग लग सकता है उसको बचाती है, उसको प्रिवेंट करती है रस्टिंग से। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है नाइट्रोजन का, दैट इट हेल्प्स और रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इन द एयर। नंबर सेवन, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज एज अ कूलेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ ब्लड इन लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स। अब लिक्विड नाइट्रोजन को हम इस्तेमाल करते हैं कूलेंट के तौर पे। कूलेंट के तौर पे क्या मतलब है कि आपने अक्सर देखा होगा कि ब्लड बैंक्स होते हैं और ब्लड बैंक्स में बड़े बड़े फ्रीजर्स होते हैं जिसके अंदर ब्लड को सेव किया जाता है ताकि जब भी उस ब्लड की जरूरत हो हम वहां से ब्लड को लेकर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें। तो वहां पर फ्रीजिंग ऑफ ब्लड में जो हम गैस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज ऑल्सो नाइट्रोजन, और जो बहुत बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उसको भी सेफ रखने के लिए, उसको भी कूल डाउन करने के लिए ताकि वो ओवरबर्न या ओवरहीट ना हो, उसको बचाने के लिए ओवरहीटिंग से हम नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है जो कि कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में आती है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एयर, और अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन इज कलरलेस गैस। ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन की तरह हमारे पास एक कलरलेस गैस है क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता। नंबर टू, इट हैज नो स्मेल। इसकी कोई स्मेल नहीं होती, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कोई खास किस्म की स्मेल होती तो, क्योंकि हम हवा में सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को फील कर सकते कि ऑक्सीजन की कोई खास किस्म की स्मेल को हम स्मेल कर सकते। नंबर थ्री, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम ऑक्सीजन को पानी के अंदर डिजोल्व करने की या सॉल्युबल करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत कम सॉल्युबल होगी पानी में, क्योंकि ये पानी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं रखती। नंबर फोर, वेरी एक्टिव गैस। ऑक्सीजन इज अ वेरी एक्टिव गैस क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास एक ऐसी गैस है जो कि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एक बहुत ही एक्टिव गैस है। नंबर फाइव, इट डज नॉट बर्न इट सेल्फ। एंड नंबर सिक्स, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ऑक्सीजन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये खुद तो बर्न नहीं होती, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन को बर्न करने की कोशिश करेंगे तो ऑक्सीजन खुद बर्न नहीं होगी, लेकिन जहां पर बर्निंग का प्रोसेस होता है उसको, बर्निंग के प्रोसेस को
प्रोसीड करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो खुद बर्न नहीं होती, लेकिन ये बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट करती है, बर्निंग में हेल्प करती है। और दूसरा ये क्या करती है, इट सपोर्ट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो लोहे को जंग लग जाता है जब, या आयरन की रस्टिंग हो जाती है, तो रस्टिंग में भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। तो हम कह सकते हैं इसी बेस पर दैट ऑक्सीजन इज अ वेरी एक्टिव गैस बिकॉज इट डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट इट हेल्प्स इन द बर्निंग प्रोसेस एंड द रस्टिंग ऑफ आयरन। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सीजन गैस। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द यूजेज ऑफ ऑक्सीजन, अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ हम ऑक्सीजन का अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन, वी यूज ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, सबको रेस्पायर करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ अवेलेबल होती है, हमारी एयर के अंदर। तो एयर से हम ऑक्सीजन को लेते हैं और सांस लेने के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू, एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड नेचुरल गैस। जितने भी हमारे पास बर्निंग के प्रोसेस होते हैं उन सबको सपोर्ट करने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है। मींस जब हम लकड़ी को जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे या नेचुरल गैस की बर्निंग करवाएंगे, तो इन तमाम चीजों की बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। नंबर थ्री, हम देखेंगे यूज बाई एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग। अब हवा में जो एनिमल्स सांस लेते हैं या प्लांट सांस लेते हैं, वो तो एयर से अपनी ऑक्सीजन ले लेंगे, लेकिन ऐसे तमाम प्लांट्स और एनिमल्स जो कि एक्वेटिक हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं, उनको सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और वो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है पानी के अंदर, और इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग। नंबर फोर, यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर हार्ट एंड लंग्स डिजीजेस। अब हॉस्पिटल्स के अंदर आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको या तो कोई हार्ट की डिजीज हो, मतलब दिल की कोई डिजीज बीमारी हो सकती है, या लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, कोई सांस से रिलेटेड कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, तो उनको ट्रीट करने के लिए और उनके सांस को बहाल रखने के लिए भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द ऑक्सीजन गैस। नंबर फाइव, ऑक्सीजन फिल्ड सिलेंडर्स आर यूज बाय माउंटेन क्लाइंबर्स एंड सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग। अब ऐसे लोग जो कि माउंटेन क्लाइंबर्स होंगे या सी डाइवर्स होंगे, जो कि पहाड़ों को सर करते हैं या समंदरों के अंदर जो है वो डाइव करते हैं, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो सांस पानी के अंदर या बहुत ज्यादा ऊंचाई पर सांस प्रॉपरली नहीं ले सकते, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो फिल करके लेकर जाते हैं, सो दैट उनको ब्रीदिंग में कोई इशू ना हो और वो उन ऑक्सीजन फिल्ड सिलेंडर्स को सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर सकें। नंबर सिक्स, यूज इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। अब हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास वेल्डिंग मटेरियल्स होते हैं जिनको हम वेल्ड करते हैं, जैसे आयरन है उसकी वेल्डिंग करनी है, तो वहां पर भी हम ऑक्सी फ्लेम्स यूज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का एक फ्लेम होता है खास किस्म का, उसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ मेटल्स को कट करने के लिए और मुख्तलिफ मेटल्स की वेल्डिंग करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए या कोई खास शेप देने के लिए। तो वेल्डिंग में या कटिंग ऑफ मेटल्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सी फ्लेम का या ऑक्सीजन का। नंबर सेवन, रॉकेट्स यूज लिक्विड ऑक्सीजन ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नी। रॉकेट्स, आपको पता है कि जब स्पेस में भेजा जाता है रॉकेट को, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। अब इसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट लिक्विड ऑक्सीजन जो है एज अ फ्यूल काम करेगा और एज अ ऑक्सीफ्लेम काम करेगा रॉकेट्स के लिए, और इसको स्पेस जर्नी में हेल्प करेगा। तो रॉकेट्स में हम लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी स्पेस जर्नी को कम्प्लीट कर सकें। So that's all about our today's lecture. Hopefully it's very easy and understandable for you. Thank you so much. Meet you in next class with a new lecture. Keep calm and Allah Hafiz.